मेरे ख्याल से लखनऊ का मैंने अभी तेल के दाम मंगाए हैं पिछले 5 दिन की। मैं 5 दिन पे नहीं जाऊंगा, 3 दिन पे आपको बता दू। दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर इसके राइज पर लड़ने जा रहे हैं, वो पेट्रोल के दाम कल बढ़ा दिए हैं और बढ़ा दिए हैं और आज सुबह और बढ़ गए। इसके दाम आज परसों की तारीख में जो 80 रुपए था, कल 80 रुपए 25 पैसे हो गया था, आज 80 रुपए 30 पैसे हो गया है। ये दिल्ली में, ये लखनऊ में, और मुंबई में 85 को भी पार कर चुका है, महाराष्ट्र के अंदर 85 को पार कर चुका है, गुजरात में भी यही हाल है, कर्नाटक, तमाम प्रदेशों के अंदर। यानी कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी साबित करने की कोशिश कर रही है कि आप लोग बड़े गलत नहीं हो। आम आदमी से हमें उसके मुद्दों से, उसकी तकलीफों से हमें सरोकार नहीं है। विपक्ष ये लगातार सवाल उठा रहा है, हर पार्टी अपने अलग अलग तरीके से पूरे देश के अंदर तमाम विपक्ष पार्टियां पेट्रोल के तेल के बढ़ते हुए कीमतों पर वो टिप्पणियां कर रही हैं और कह रही हैं कि ये बहुत गलत है, अपने अपने तरीके से विरोध कर रही हैं। और तो और एनडीए के जो लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो उनको सरकार में जिताने का काम करती है, चाहे हाउस में हो चाहे हाउस के बाहर हो। वो शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र में पोस्टर लगा दिए हैं पेट्रोल के दाम लिखने के बाद में, क्या ये 6 दिन से जो हम देख रहे हैं, ये शिवसेना के लगाए हुए पोस्टर हैं। इससे बहुत साफ नजर आ रहा है कि पेट्रोल डीजल को लेकर तमाम पार्टियां, तमाम लोग जो जनता से जिनका सीधा रही है कहां तक पहुंच रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के तमाम पार्टियों के लोग जो है इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सोमवार को यानी कि कल 10 तारीख को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने एक आवाज दी है और यह आवाज कांग्रेस पार्टी की जनता के हितों को सामने रखकर दी गई है। यह आवाज है कि हम कल भारत बंद करें और भारत बंद में हम इन मुद्दों को लेकर आए। मैं आपकी जानिब से आपसे सबसे दरख्वास्त करने के लिए यहां पर आया हूं। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे साथियों ने ये मन बनाया है कि हम गांधीवादी तरीके से इसको बंद को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। हर जगह हमारे साथी, जिला के, शहर के, हमारे जितने भी लोकल, जितने भी हमारे प्रभारी हैं, वो सब इसमें प्रतिशील हैं। सब ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम संगठनों से, व्यापारी संगठनों से, तमाम यूनियनों से, चाहे वो स्कूटर यूनियन हो, टेम्पो यूनियन हो, ट्रक यूनियन हो, सब लोगों से।